गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस इट्स अवर कंप्यूटर क्लास आइए इसे स्टार्ट करते हैं बेटा हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर उसकी आज हम ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर ट्वेल्व पे ब्रेन डेवलपर फर्स्ट है हमारे पास जो हमारा ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक्स को फिल करना है हमें हमारे पास हिंट्स दिए गए हैं इधर इन हिंट्स की हेल्प से हमने क्या करना है फिल ब्लैंक्स को फिल करना है स्टार्ट करते हैं पहला द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज डैश हमने चैप्टर में भी पढ़ा था जो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो क्या था बेटा अबैक्स यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे अबैक्स ए बी ए सी यू एस अबैक्स सेकेंड है हमारे पास डैश इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पासक्लाइन जो फ़र्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो किसने इन्वेंट किया था वो विसाइल पास्कल ने बी एल ए आई एस ई पी एस सी ए एल ब्लाइस पास्कल थर्ड है हमारे पास डैश इज़ द वर्ल्ड फास्टर सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे सुपर कंप्यूटर फास्ट जो कंप्यूटर था वो कौन सा था ई एन आई ए सी कौन सा कंप्यूटर था वो ई एन आई ए सी फोर्थ है हमारे पास द फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज टाइन टू इसका आंसर है टायलिस्टिक इंजन वॉज इन्वेंटेड इन एटीन थर्टी थ्री कितने में इन्वेंट हुआ था एटीन थर्टी थ्री में ये थे हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स आगे हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेट ट्रूफॉल्स यू एन आई वी ए सी आई इन आई वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ नुमैरिक एंड टैक्स डाटा जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था यू एन आई वी ए सी वो दोनों को हैंडल करता था नुमेरिक और टैक्स डाटा को इसीलिए इसका आंसर है ट्रू सेकेंड है चार्लस बेबज इन्वेंटेड द डिफेंस इज इन इन इंजन इन एटीन ट्वेंटी टू चार्लस बेबज ने दो इंजन की इन्वेंट की थी एक एनालिस्टिक और एक डिफेंस की एटीन ट्वेंटी टू में इसका आंसर है ट्रू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी फॉल्स मार्क ए आई इन्वेंटेड बाई जे प्रस्पर एक फॉल्स क्योंकि ये किन्ों ने इन्वेंट किया था जे जॉन क्योंकि बेटा जो मार्क आई था वो जॉहन हॉवर्ड uh, ने इन्वेंट किया था फर्स्ट लास्ट हमारे पास से फिफ्थ जॉर्ज बुलियन डिजाइन द बुलियन लॉजिक ट्रू नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलिंग बाय कलरिंग द पेयर विद द सेम कलर हमें यहाँ पे कलरिंग की पेयर करनी है ए कलर, कलर है, एक बी कलर है इनमें पेयरिंग करनी है हमने मैचिंग करनी है सबसे पहले हम ले लेंगे लेडी अगस्टा लवलेस लेडी अगस्टा लवलेस ने क्या लव ने क्या किया था इधर हम देखेंगे पहले उन्होंने क्या किया था बेटा द फर्स्ट प्रोग्रामर वो कौन सी कौन थी वो फर्स्ट प्रोग्रामर इसीलिए इसको इसके साथ मैच करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज़ करते थे यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स हारमन ऑलियर्थ हारमन ऑलियर्थ ने क्या किया था ट्रब्ल्यूटिंग मशीन ट्रब्ल्यूटिंग मशीन की इन्वेंट की थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट क्या यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट एनालास्टिक की इंजन कितने में इन्वेंट हुआ था एटीन थर्टी थ्री में इसीलिए इसको इसके साथ हम मैच करेंगे ये हो गया हमारा सी पार्ट मैचिंग आगे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे डी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रमन इज वर्किंग इन द नेशनल वेदर फॉरकास्टिंग एन एजेंसी विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज हर टू फॉर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डज इंडियन रेलवेज आर यूज टू इंटरेक्ट इंटरेक्ट विद द कस्टमर फॉर द बुकिंग एंड कैंसलेशन ऑफ टिकट्स जो इंडियन रेलवे हैं वो कौन से कंप्यूटर का यूज़ करती हैं कस्टमर की बुकिंग के लिए और टिकट को कैंसिल करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है उनके द्वारा मेन फ्रेम कंप्यूटर ये था हमारा बेटा डी पार्ट आगे हम ई पार्ट करेंगे हमारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस द एरिया ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉल जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का एरिया था वो कौन सा था इनों में देखेंगे हमने ए बी और सी ऑप्शन तीन ऑप्शन दी गई हैं इनमें से राइट ऑप्शन है बी 1940 से लेकर 1956 सेकेंड है पास, हमारे पास डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर हमारे पास सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल कौन सी है बेटा ए बी और सी पार्ट दिया गया है इसमें कौन सा पार्ट राइट है सी ई एन आई ए सी थर्ड है हमारे पास डैश आर यूज इन होम स्कूल शॉप्स ऑफिस बैंक एक्सेट्रा इन जगहों पर कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है माइक्रो मिनी सुपर कौन सा होता है माइक्रो कंप्यूटर जो हम सभी जगहों पे यूज़ करते हैं फोर्थ है हमारे पास डैश टेक्नोलॉजी यूज इन सेकेंड जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन क्या यूज़ करती थी ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटर सर्कल इनमें से कौन सा यूज़ करती थी ट्रांजिस्टर फिफ्थ है हमारे पास डैश लैंग्वेज वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती थी ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट कबूल मशीन आर डी बी एम एस वो कौन सी यूज करती थी मशीन लैंग्वेज इसके साथ ही हमारा ई e पार्ट भी कंप्लीट हो गया लास्ट पार्ट है हमारे पास एफ पार्ट आंसर्स द फॉलिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे गए उनके हमने आंसर्स राइट करने हैं बेटा ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक पे भी राइट करने है कंप्यूटर की नोटबुक पे यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम थी लेकिन आपने अपनी नोटबुक अच्छे से बनानी है इन क्वेश्चन को वहाँ पर राइट करना है स्टार्ट करते हैं नेम द फर्स्ट मैकनिकल कंप्यूटर जो हमारा फर्स्ट मैकनिकल कंप्यूटर था उसके बारे में हम कुछ लिखते हैं इसमें अबैक्स वॉज द फर्स्ट मैकनिकल डिवाइस हमारे पास कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर था अबैक्स अबैक्स वॉज द फर्स्ट मैकनिकल डिवाइस फॉर कैलकुलेशन कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था डिवेलपेंट इन चाइना कहाँ पे बना था ये कहाँ पे डिवेल्प हो रहा था चाइना में सेकेंड क्वेश्चन हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का पितामा किसे बोला गया कंप्यूटर का पिता किसे बोला गया चार्लिस बेबिस को चार्लिस बेबिस कंसीडर एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर थर्ड है हमारे पास स्विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड हु इन्वेंटेड इट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था और किसने इसको इन्वेंट किया था ई एन आई ए सी इसके फुल फॉर्म है बेटा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय द जोहन मॉलिम एंड जे प्रस्पर इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स में कब हुआ था नाइनटीन फोर्टी सिक्स में इन दोनों राइटर्स के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था फोर्थ हमारे पास राइट द थ्री फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के थ्री फीचर्स लिखने हैं उसकी थ्री फीचर्स हम लिखते हैं आंसर इन दिस जनरेशन कीबोर्ड माउस स्कैनर एक्सेट्रा यूज इन कंप्यू इस जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे कीबोर्ड माउस और स्कैनर ये सभी डिवाइसेस हम इस जनरेशन में यूज़ करने लगे थे माइक्रो प्रोसेसर आर यूज इन दिस जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर भी इस कम जनरेशन में यूज़ होने लगा था इट इज़ बेटर एंड मोर फास्ट दैन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जी बेटा फास्ट भी थी और बेटर भी थी थर्ड जनरेशन से इस जनरेशन का कंप्यूटर फास्ट वर्क करता था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा वो है पेज नंबर फोर्टीन पे नेम द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स एक्सप्लेन एनी टू नेम द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आपने माइक्रो कंप्यूटर की टाइप्स लिखनी है उनमें से दो को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम थी बेटा लेकिन आपने अपनी नोटबुक के नोटबुक पे इसको कंप्लीट करना है मैं इस वीडियो में आपको वो दिखा दूंगी और पी डी भी सेंड कर दूंगी कि आपने कहाँ से लिखना है माइक्रो कंप्यूटर दीज कंप्यूटर आर स्मॉल एंड लेस कॉस्ट ये कंप्यूटर क्या था बेटा स्मॉल था साइज में और इसकी कॉस्ट भी कम थी दे आर यूज मेनली होम शॉप स्कूल बैंक एक्सैक्ट्रा ये कहाँ पर यूज होता था होम्स में घर पे शॉप्स में स्कूल में और बैंक में दे आर बेसिकली थ्री टाइप्स कितने टाइप्स के थे माइक्रो कंप्यूटर थ्री टाइप्स के डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप और टैबलेट इन तीनों टाइप में आपने बेटा कोई दो एक्सपेंड करने हैं अपनी नोटबुक पे मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं थी लेकिन आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं टू टाइप्स यही कहाँ से राइट करने हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ बेटा आपकी बुक का पेज नंबर टेन मैंने आपको पी भी सेंड की है इसकी पेज नंबर टेन पे ये हमारे पास माइक्रो माइक्रोकम्प्यूटर ये इसकी तीन टाइप्स इन तीनों टाइप्स में कोई भी दो टाइप्स आपने अपनी नोटबुक पे राइट करनी है उस क्वेश्चन में ऐड करना है इसको इन दो टाइप्स को इन तीन टाइप्स में से कोई भी टू टाइप्स आपने राइट करनी है 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 लास्ट जो हमारा सिक्स बेटा वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिवाइस अबैक्स अबेक्स पे हमने शॉर्ट नोट लिखना है अवैक्स वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ये हमारा क्या था फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था इट इज डेवलप्ड इन चाइना कहाँ पे डेवलप हुआ था चाइना में इट इज मेड विद वुडन फ्रेम विद रूट्स एंड ईच हैविंग बीड्स ये किसका बना हुआ था वुडन का लकड़ी का विद रूट्स एंड ईच हैविंग बीड्स इसमें छोटे छोटे डंडे और ब्रिक ब्रिक मन के उसमें लगे थे इट्स फ्रेम डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स जो इसका फ्रेम था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था हैवन एंड अर्थ दो पार्ट्स कौन से थे हैवन एंड अर्थ इट इज़ यूज फॉर एडिशनल सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ये किसके लिए यूज किया जाता था, था बैक्स एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए एंड विज़न के लिए इसके साथ ही बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है इसका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपने खुद करना है उसकी पी डी एफ में आपको भेज दूँगी आगे का चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू